यहाँ से लेना पड़ेगा हमारे को यूटर्न, तो आगे रेलवे ट्रैक भी है। जैसे कि यहाँ पे चौराहा आया था, तो हमारे को क्लाई साइड का रास्ता लेना पड़ेगा, हिसार वाला रास्ता ये। तो यहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी। तो यहाँ से जयपुर है 395 किलोमीटर। तो अभी तक हम हरियाणा में चल रहे हैं, अब हरियाणा ज़्यादा दूर। तो ये जो सामने बनी हुई है ये रिफाइनरी है। हकीकत में गाड़ी यहाँ से देखो ऐसे दर दर करने लगे। तो मैंने स्पीकर खोल दिया, अंदर कुछ नहीं, अंदर से खाली है, केवल स्पीकर है, दो वायर निकले हुए हैं। महंगे भाव का नीचे मत गिरा, टंकी में डाल टंकी में। तो इनका काउंटर है यहाँ पे, ये तो यहाँ का जो पेमेंट है इनका तो यही कर देंगे, मतलब इनके ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सामने ये दो ट्रैक्टर चल रहे हैं महिंद्रा के, बिल्कुल नए। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। तो हम इतनी देर पहले गाड़ी के अंदर ही सो रहे थे, तो हमारे को रात ना तो हमारी गाड़ी के कागज मिले, ना हमारे को किराया मिला। तो अभी करीबन टाइम हो रहा है 8:30। तो ये 9 बजे फैक्ट्री खुल जाती है, तो 9 बजे इनके जो सेट लोग हैं वो आ जाते हैं, तो फिर हमारे को भाड़ा मिल जाएगा, गाड़ी का कागज भी मिल जाएंगे। तो गाड़ी को रात को यहाँ पे काटे वाटे करवा के सब हमारी तरफ से पूरा काम कंप्लीट करके फिर यहाँ पे गाड़ी खड़ा किया था। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। वैसे आज थोड़ा सा मेरे को जुकाम हो रखी है। तो आज सुबह सुबह हो रही है गाड़ी की साफ सफाई। तो इस गाड़ी के अंदर प्रेशर पाइप है, मतलब गाड़ी के अंदर जो प्रेशर बनता है ब्रेक प्रेशर, उस प्रेशर से साफ कर सकते हैं। तो मतलब हवा निकलती है तो हवा से मतलब जितना भी हमारे यहाँ पर डैशबोर्ड पे कचरा वचरा है सब उड़ जाएगा। ये देखो, मतलब ऐसे ब्रश मारने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। मतलब ये तो नीचे नीचे मारा है मैंने, क्योंकि जो नीचे पाइप है पाइप नीचे नहीं पहुँचेगी। तो गाइस जो ये पाइप है बिल्कुल मुलायम पाइप है, देखो इसको ऊपर से बहुत तेज है हवा निकल। जैसे था सीटे वीटे गद्दे सब जचा दिए, नीचे से पैरदान में हर जगह साफ सफाई कर दी। तो गाइस यहाँ पे चाय वाय पी लिया। तो अभी तक हमारे को ना भाड़ा मिला है, ना हमारी गाड़ी का कागज मिले। तो करीबन हो रहा है 9:30। तो जो ये गोडाउन है, इस गोडाउन के सेठ जी आए नहीं अभी तक। तो वो आएंगे तो कंपनी के अंदर गए थे, तो उनने बोला कि भैया हमारे अभी तक सेठ जी नहीं आएंगे, सेठ जी आएंगे तो पेमेंट करेंगे। चलो एक बार फिर से जाके आते हैं कंपनी के अंदर। भाई यहाँ पे बोरियां पड़ी है, देखो यहाँ पे जो कल के दिन के अंदर यहाँ पे चावल डाले हुए थे उनको शाम को सबको बोरियों में डाल दिया था। तो आज यहाँ पे जो चावल डाले, ये दूसरे चावल डाले, सब बोरियां आज खाली किए और शाम तक इसको वापस बोरियों में भर देंगे। तो ये मतलब बारिश के मौसम में ऐसे थोड़े बहुत सिल्ले है, गिल्ले है, तो इनको सुखा रहे। तो ऑफिस है इस साइड में, ड्राइवर गए हैं अंदर, वो बात करके आ जाएंगे, मैं क्या करूंगा वैसे जाके। तो जो मेरे ड्राइवर है गए थे ऑफिस में, तो ऑफिस में बताया था कि भैया हम ना तो रसीद देंगे ना किराया देंगे, जहाँ से आपकी गाड़ी लोड हुई थी मतलब बिहार से, वहीं से आपके मतलब खाते में डाल देंगे, हमारी तरफ से 1 रुपया भी नहीं है ना कोई कागज वगैरह। ये बात ये लोग रात को बोलते थे, तो अभी तक हम राजस्थान पहुंच जाते। तो चलो कोई बात नहीं, अब बोल दिया तो अब चले जाएंगे। तो गाड़ी को किया स्टार्ट, प्रेशर बन रहा है, तो अब यहाँ से निकलेंगे। तो हमारे को पहले तो इस साइड जाना पड़ेगा जो ब्रिज के नीचे की सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे। तो आगे से हमारे को गाड़ी को घुमाना पड़ेगा, यूटर्न लेना पड़ेगा, यूटर्न लेके जो उधर वाली साइड है इस साइड जाना पड़ेगा हमारे को। तो यहाँ से आगे से वो सामने गाड़ी यूटर्न ले रही है टेलर, वहाँ से यूटर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेना पड़ेगा हमारे को यूटर्न, तो आगे रेलवे ट्रैक भी है, तो ये यूटर्न ले लिया यहाँ से। तो हमारी गाड़ी इस रास्ते पे आगे खाली हुई थी, तो अभी तक हम सर्विस रोड ही चल रहे, मेन रोड हुआ है। उस रोड पर टच होने के लिए थोड़ा सा आगे से टर्न आएगा, टर्न से ड्राइवर साइड टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे को कट मिल गया, अब ड्राइवर साइड कट लेना पड़ेगा। तो देखो जिस साइड गाड़ी ड्राइवर साइड कट ले रही है, तो ड्राइवर ने पीछे देखा था का, मतलब पीछे से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, तो यही है वो नरवाना सिटी। तो यहाँ पे देखो हरियाणा के लोग ट्रैक्टर ज्यादातर महिंद्रा कंपनी के ट्रैक्टर रखते है, फिर वो भी ऊपर छत डेकोरेशन टेप क्या बताऊं। यहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े साउंड लगा रखे है, मतलब ट्रैक्टर के डीजे भी फेल है, दमादम ऊपर का जो केबिन है, मतलब जेसीबी के जैसे केबिन आता है वैसे ऊपर का ट्रैक्टर का केबिन रखते हैं ये लोग। तो अभी हम चल रहे हैं मेन सिटी के अंदर, जो ये नरवाना सिटी है, नरवाना सिटी के अंदर चल रहे हैं। तो इसके बाईपास नहीं है, मतलब गाड़ी लेके बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी कोई सी भी गाड़ी हो नरवाना सिटी के अंदर से गुजरना पड़ेगा हमारे को। तो आगे हमारे को जयपुर वाली रोड मिल जाएगी, यहाँ से करीबन 3 या 4 किलोमीटर आगे
ने टर्न ले लिया ड्राइवर साइड, मेन रोड है पीछे रह गई है, तो अब हमारे को इस रोड पे चलना है। तो मेरा गाड़ी खड़ा है पीछे पीछे, आगे रेलवे फाटक, पूरा ट्रैफिक रुक गया क्योंकि जो रेलवे फाटक बंद कर दी गई है, ट्रेन आने वाली है। तो गाइस ट्रेन तो आ गई है, पटरी भी खुलने वाली है, तो मैं गया था 10 मिनट लेके आ गया, तो हमारी जो गाड़ी है गाड़ी पीछे पीछे खड़ी है। तो ये आ गई फाटक, वो फाटक को बंद चालू करने वाली है, उतने ऊपर रहते हैं देखो, इनके लिए एक ऑफिस बना हुआ है, तो यहाँ से दो ट्रेन एक साथ गुजर सकती है लमसम। देखो ट्रेनें लाइट से हो गई है, जो ऊपर ये पोल दिखाई दे रहे हैं ये लाइट ही लाइट के पोल है। तो यहाँ से हमारे को 4 लाइन मिल गई है हिसार वाली, तो हिसार चूरू सालासर ऐसे जाना पड़ेगा हमारे को। 1 किलोमीटर आगे टोल भी आने वाला है, जैसे रोड पे चढ़ते है तो हमारा टोल लगना स्टार्ट हो जाता है, 445 रुपए का टोल है। हकीकत में जैसे ही रोड पे एंट्री करते हैं तो सामने टोल आ जाता है, अब जैसे 50 किलोमीटर आगे चलेंगे तो और टोल आ जाएगा, हर 50 किलोमीटर पे टोल आता है। तो हमारे तो फास्ट टैग लगा हुआ है, सामने रहा फास्ट टैग कैमरा, तो हम जैसे नजदीक जाएंगे टोल कट गया। जो रोड ये चल रही है बीकानेर डिपू की है राजस्थान की, जैसे कि यहाँ पे चौराहा आया था, तो हमारे को कलाई साइड का रास्ता लेना पड़ेगा, हिसार वाला रास्ता यही है। तो यहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी, तो यहाँ से जयपुर है 395 किलोमीटर। तो अभी तक हम हरियाणा में चल रहे हैं, अब हरियाणा ज्यादा दूर। तो यहाँ से राजगढ़ है 118 किलोमीटर और हिसार है 35। तो सामने आ रही रिफाइनरी, जैसे कोई चीज होती है चावल है ऐसे, मतलब अनाज यहाँ पे साफ होता है, मतलब छोटे छोटे दानों में जो अनाज होता है कच्चा अनाज होता है वो अलग हो जाता है, पक्का अनाज अलग हो जाता है। तो ये जो सामने बनी हुई है रिफाइनरी है। तो सामने फिर से टोल आ गया, करीबन हमने 50-60 किलोमीटर निकाले, रोड भी चेंज कर लिया, तो फिर से टोल आ गया। तो अभी तक हम हरियाणा में ही चल रहे हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी के अंदर 2 स्पीकर है, एक तो यहाँ रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ था इस सीट के नीचे, तो ये वाला हूँ। तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी को नहीं रोका है, वो टेप का ऊपर का चद्दर खोल दिया है, ये रहे नट, लंबे लंबे वाले नट है। तो अब मेरे को इस स्पीकर को खोलना है, ये भी छोटा स्पीकर है साइड में लगा हुआ, तो पहले इस बड़े स्पीकर को खोलते हैं और अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने स्पीकर खोल दिया, अंदर कुछ नहीं, अंदर से खाली है, केवल स्पीकर है, दो वायर निकले हुए हैं। तो जैसे कि हमारा ये बड़ा वाला स्पीकर है, यहाँ पे छोटा सा स्पीकर दिया हुआ है, ये तो बोल रहा है, देखो इसकी आवाज़ बंद करता हूँ, देखो ये तो आवाज़ दे रहा है, मतलब ये बड़ा वाला नहीं दे रहा है। अभी कहते हैं गाड़ी यहाँ से देखो इसी से धर धर करने लगे। तो ये स्पीकर खराब हो गया, ये छोटा वाला बोल रहा है, बड़ा वाला खराब हो गया। जैसे कि हमारा स्पीकर था, मैंने वापस जाली वाली कस दिया इस साइड की, और अंदर का जो साउंड था साउंड को भी कस दिया है। तो अब मेरे को इस सीट के नीचे वापस से मरना है, यहाँ पे रखना है। तो हमारी गाड़ी में पहले जहाँ पे स्पीकर था वहाँ पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये गाड़ी, इसका एक्सीडेंट हुआ, टाटा कंपनी की थी, हरियाणा की थी गाड़ी, तो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो रखा था। तो यहाँ पे भारत का पंप, यहाँ से भरवाएंगे हमारी गाड़ी में फ्यूल। अभी हम चल रहे हैं हरियाणा में ही है, अब हरियाणा का बॉर्डर ख़त्म होने वाला, आगे राजस्थान लगने वाला है, तो राजस्थान में डीजल महंगा है तो सस्ता है, भरवा लेते हैं, टंकी फुल ही करवा लेंगे आज तो। ऐसी बात नहीं है, पहले हमारी गाड़ी में था तेल, पूरी खाली होती तो बहुत तेल आता, अभी तो ऐसी बात नहीं है, टंकी भर गई है, अंदर जा रहा है टंकी में, जगह है बहुत। महंगे भाव का नीचे मत गिरा, टंकी में डाल, टंकी में चलने दे, चलने दे, बस धीरे 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 धीरे।
चलने दे चलने दे चलने दे, देखेंगे कितना आएगा। बिल्कुल ये तो अंदर ही अंदर जा रहा है यार, खाली हो रहा है कि नीचे कहीं ठंडा तो नहीं हो गया। तो उधर 25,000 का आने वाला है ये डीजल। चलने दे चलने दे। तो 24,916 पॉइंट तेल आया। तो हमारी गाड़ी का मतलब डीजल का बिल निकलवा रहे हैं नंबर प्लेट के हिसाब से। 274 लीटर आया 8 पॉइंट, ये इधर बिल आ गया। तो पहला बिल तो ये रखते हैं, दूसरा बिल हमारे को देते हैं क्यों ओरिजिनल बिल इनसे सेट मांगता है रोज का। तो इनका काउंटर है यहाँ पे, तो यहाँ का जो पेमेंट है इनका तो यही कर देंगे, मतलब इनके ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से चूरू 9 किलोमीटर और है। तो सामने ये दो ट्रैक्टर चल रहे हैं महिंद्रा के, बिल्कुल नए। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा की सीमा खत्म हो जाती है, राजस्थान की लगना स्टार्ट हो गई है। तो राजस्थान हरियाणा में कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं है, डायरेक्ट इधर से इधर जाओ, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से सालासर 150 किलोमीटर और है। तो हमारे को ये सालासर वाली रोड पे चलना है, सालासर से आगे जाना है डीडवाना, डीडवाना से आगे जाना है कुचामन, कुचामन से आगे जाना है किशनगढ़। तो हमारे को कंटिन्यू इसी रोड पे चलना पड़ेगा, फोर लाइन नहीं है, केवल डबल रोड है, फोर लाइन पीछे रह गई, काम चल रहा है फिलहाल में, बन रही है फोर लाइन। तो जैसे कि पीछे गाड़ी आ रही है तो मेरे को साइड मांग ला है, तो इस साइड हाथ निकाल दिया मैंने शीशे में देखो। तो जैसे कि हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, तो यहाँ पे राजस्थानी होटल है, तो यहाँ पे गाड़ी वाड़ी रोका है, खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे घंटे भर, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। भाई बढ़िया होटल है, एक नंबर, बहुत बड़ी भी है भाई, अंदर से बहुत ठंडी है, क्या बताऊँ, आरसीसी की बनाई हुई है पूरी। तो गाइस हमने यहाँ पे खाना वाना खा दिया, और हमारा गाड़ी यहाँ होटल के पास में खड़ी थी, ज़्यादा दूर नहीं, तो हमने दो लिया विमल, 4-5 लिए था। ये तो मतलब हर वीडियो में लेते हैं, हर बार लेते हैं, जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे क्योंकि खा जाते हैं। तो हमने खाना वाना खा लिया, होटल से निकल गए। तो यहाँ से राजगढ़ है 18 किलोमीटर है, तो यहाँ से जो जयपुर सिटी है, जयपुर सिटी 240 किलोमीटर है। तो जैसे कि ये रोड है दो गाड़ी की रोड है, तो सामने दो गाड़ी की और रोड बनेगी, तो ये फोर लाइन हो जाएगी। तो ये जैसे कि अभी दो लाइन की है, मतलब दो ही गाड़ियाँ चल सकती है, तो ये फोर लाइन का हर जगह काम चल रहा है इसका, हर जगह मतलब कंटिन्यू 20 किलोमीटर से आ रहे हर जगह, इस साइड के अंदर काम चल रहा है, मतलब कहीं LNT चल रही है, कहीं JCB चल रही है। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइस पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।